था कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई, और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूए की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात कर इंडिया के फेस्टिवल्स, इंडिया की टीम्स, कार यार, इंडिया के साथ तो उनके तालुकात इतने अच्छे, रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी मेन बात यह है कि यार ये दिवाली पे जो इधर आतिशबाजी और फायरवर्क्स यार, क्या कमाल का करते हैं यार। ये मैंने पहली दफा देखा है, खुद पहली दफा देखा है मैं, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन भाई वो लाइट सी थी और पानी के ऊपर भाई वो उनके बंदे बने हुए थे और वो भाई नाच रहे थे और एक बड़ी सॉरी बिल्डिंग थी उसके ऊपर हैप्पी दिवाली बिल्कुल लिखा हुआ था। फंक्शन है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सारे में भी मनाया जा रहा है। क्या वजह था, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है दुनिया में? दुबई में मतलब जोर शोर से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो या कोई और भी डे हो, ये दिवाली देखो, हैप्पी दिवाली और पटाखे जो स्टार्टिंग में बताया गया, हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था और आतिशबाजी हुई, जो कि यार इतना प्यारा लग रहा था। मतलब यार एक अच्छा जेस्चर है दुबई यूएई का इंडिया के। सऊदीया या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे दिवाली के त्योहार को जो कि हिंदुओं का त्योहार है उसे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पे प्रॉपर, मतलब और ना सिर्फ सऊदीया, यूएस में, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में। यार मैंने ऐसा आतिशबाजी नहीं देखी, कसम से यार, बहुत सारे जमीन निकल गई है। ये इंडिया वाले उधर क्या कर रहे हैं, वो दुबई में। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके सारे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों इस्लामिक देशों से लेकर क्रिश्चियन देशों तक दीपावली की धूम छाई हुई है, और इसीलिए आज के समय हमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग पर भी दीपावली की रौनक दिख रही है। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिजनेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था, लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान, दरअसल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की तरफ से दीपावली को अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक पर्व का दर्जा दिया गया है, और दुनिया के अन्य देशों की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात में भी लोगों को दीपावली मनाने के लिए खास अधिकार दिए गए हैं। बीते कल इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आई हैं जिसमें हमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाने वाली बुर्ज खलीफा पर दिवाली की छवि और दिवाली की बधाइयां देखने को मिली हैं। और यह केवल इकलौती वीडियो नहीं है बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर भी दीपावली का लाइट शो किया गया था, और इस लाइट शो के जरिए अमेरिकन लोगों को दीपावली की बधाइयां दी गई थी। अब जब से भारतीय पर्व का समय शुरू हुआ है तो तभी से इंटरनेट पर देश विदेश से एक के बाद एक ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि भारतीय सॉफ्ट पावर का वर्णन करती हैं, और यह फोटो वीडियो इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हैं कि भारत आज के समय कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल देश बन चुका है कि पूरी दुनिया आज के समय भारत का अनुसरण कर रही है और भारतीय पर्व को बिल्कुल अपने पर्व की तरह मान्यता दे रही है और उसी प्रकार से मना रही है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर अजम केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन हो, या दुनिया का कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है, और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है, और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है अमरीका और इंडिया और इस तरह करके। और ये भी एक समझ लें कि
अच्छा मजे की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है वो हेलोवीन के करीब आ रही है, ठीक है जी। सो कई लोग जो है इसको बड़ी इस पर भी बड़ा बहस हो रही है एंड ऑल दैट। बहरहाल आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर वो इसको प्रमोट करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स, उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो मनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है, सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान किया जाए एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी, और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो जो गुड है दैट विल ओवरकम ईवल। और अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इन सदर्न इंडिया में देखें तो जो दिल्ली जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की जाती है एज ए विक्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो डिस्ट्रक्शन की थी डेमोन नरका की, ठीक है जी। वो बंदा जो था उसने खवातीन को जेलों में रखा हुआ था, मतलब इस तरह की चीज़ों में थे। द पॉइंट इज कि नॉर्दर्न इंडिया में जो दिवाली है ये रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा के तौर पे देखी जाती है। और ये एंड देन इसके डिफरेंट